सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच विद सोनिया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी फ्रंट स्लाइट कुर्ती कैसे कटिंग करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है, ये देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, 44-45 के करीब होगी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे कि हमें लेंथ कितनी लेनी है। तो इस तरीके से मुझे इसकी लेंथ 40 रखनी है, तो मैं 42 इंच कट कर लूँगी मार्जिन लेकर 2 इंच का। इस तरीके से इसको इक्वल करके इसकी लेंथ निकाल लेंगे पहले। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसकी लेंथ निकाल लूँगी और बचा हुआ कपड़ा अलग रख दूँगी, जो कि हमें स्लीव्स के लिए काम आएगा। फ्रेंड्स, ये हमने लेंथ कट करके अलग कर लिया है, उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे कुर्ती के लिए, जैसे हम नॉर्मली कुर्ती इसकी करते हैं उसी तरीके से। यहाँ से शोल्डर ले लेंगे 6.5, शोल्डर, और यहाँ से 6.5 ही आर्म होल के लिए। यहाँ से 14 पर कमर, और 20 पर हिप मार्क, इस तरीके से यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे 6.5, 14 और 20। अब इनको स्केल से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर चेस्ट है 36, उसका 4th आ जाएगा 9, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 10, और 2 इंच मार्जिन, तो यहाँ से हम 12 ले लेंगे। यहाँ पर कमर है 7.5, तो यहाँ पर हम 9.5 ले लेंगे 2 इंच मार्जिन लेकर। और हिप यहाँ पर है 40, तो यहाँ पर भी मैं 12 ले लूँगी। इनको सीधा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मार्किंग कर ली है, अब इसको मिला देंगे यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ से आर्म होल के लिए हाफ कर लेंगे, जितना भी है 6.5 है तो यहाँ से 3.25 ले लूँगी मैं, 1 इंच अंदर लेकर
इसको इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रेंड अब ये जो है मुझे घेरा पूरा ही रखना है, तो यहाँ से मैं इस तरीके से एक तो ये कपड़ा बहुत हिलता है, ये देखिए इस तरीके से ये मैंने मार्क कर दिया है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसकी कटिंग लेके जाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और अब ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसको हम इस तरीके से पलटा लेंगे और इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। और जो कमर है हमारी वहाँ से इसको इस तरीके से रखेंगे। फोर फोल्ड में ही ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर कलियाँ आ जाएंगी साइड में, और जो घेरा है कुर्ती का वो बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से कॉर्नर से इंची टेप लेकर मैं जितनी इसकी लेंथ है यहाँ पर 43 एंड हाफ है, तो यहाँ से मैं 43 एंड हाफ पर मार्किंग कर दूँगी पूरी राउंड में और इसको कट कर दूँगी। चलिए कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी स्ट्रेट और अम्ब्रेला टाइप की कुर्ती कटिंग हो गई है। ये जो कपड़ा बचा है ये हमें गला बनाने के काम आएगा। तो अब मैं इसको साइड में कर लेती हूँ और इसको अलग अलग कर लूँगी। बैक पार्ट अलग कर लूँगी। फ्रेंड्स ये कपड़ा स्लीपरी है, तो मैं इसको क्या करूँगी अच्छे से सेट करके और अब यहाँ पर मैं पिन लगा दूँगी ताकि ये हिले ना, क्योंकि हमें इसकी बीच में से कटिंग करनी है, तो अगर इधर उधर हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक एक पिन यहाँ पर भी लगा लेते हैं। तो अब इसकी बीच में से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स की कटिंग हो गई है, अब हम आर्म होल भी कट कर लेते हैं। पिन से अलग कर लेंगे।
फ्रेंड्स जितनी ये लेंथ है उतनी ही हमें दो पट्टियाँ चाहिए, 43 है तो 43 इंचेस की हमें दो पट्टियाँ निकालनी है। ये देखिए, ये जो हमारे पास कपड़ा बचा था इसकी पट्टी निकाल लेते हैं। एक तो हमें 3 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए और एक हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मैंने निशान लगा लिया है 3 इंच चौड़ी पट्टी का और 1 2 इंच का, तो इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी फ्रंट स्लाइड कुर्ती की कटिंग, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जल्द से आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।